नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा। कल पूरा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएगा और इसी को लेकर देश भर में जश्न की तैयारियां काफी समय से चल रही हैं। तैयारियों के साथ साथ ही दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस सुरक्षा घेरे के लिए एनएसजी स्नाइपर्स, स्वाट कमांडो, पतंग पकड़ने वाले कर्मी, स्वान दस्ते और ऊंची इमारतों पर अचूक निशाना लगाने वालों की तैनाती शामिल है। इन सभी को लाल किले के चारों ओर तैनात किया जाएगा। इस दौरान एक दूसरे से दूरी बनाए रखने जैसे मानदंडों का पालन अनिवार्य होगा, जैसा पिछले वर्ष कोविड महामारी के मद्देनजर किया गया था। वहीं आपको बता दें, जम्मू हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना स्टेशन पर हाल ही में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर लाल किले में ड्रोन रोधी प्रणाली भी लगाई गई है, जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहली बार महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। वहीं आपको बता दें, भारत का ओलंपिक दल 15 अगस्त को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर मौजूद रहेगा। पुलिस ने कहा कि 350 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं और लाल किला क्षेत्र और उसके आसपास स्थित दो पुलिस नियंत्रण कक्षों के माध्यम से 24 घंटे उनकी फुटेज की निगरानी की जा रही है। लाल किले पर करीब 5000 सुरक्षा कर्मी होंगे और वे सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करेंगे। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से लाल किले के मुख्य द्वार पर इस महीने की शुरुआत में पहली बार भित्ति चित्रों वाले शिपिंग कंटेनरों की एक विशाल दीवार खड़ी की है। कंटेनरों को इस तरह से रखा गया है कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो कोई भी किले के परिसर के अंदर नहीं देख पाएगा। पुलिस ने कहा कि चांदनी चौक और आसपास के इलाकों से कोई भी किले के अंदर झांक नहीं पाएगा। ये कदम गत 26 जनवरी को प्रदर्शनकारियों द्वारा ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किले पर पहुंचने और स्मारक में प्रवेश करके एक धार्मिक झंडा फहराने के बाद उठाया गया। वहीं आपको बता दें, लाल किले पर 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुई। सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों ने लाल किले परिसर में मार्च किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले के आसपास के इलाकों में कोई पतंग न दिखे, इसके लिए पुलिस कर्मियों को आसमान में नजर रखने को कहा गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने भी लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए एक परामर्श जारी किया है, ताकि शहर भर में वाहनों का सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। वहीं समारोह में पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के विमान, क्वाडकॉप्टर या एयरक्राफ्ट से विमान से पैरा जंपिंग जैसे हवाई प्लेटफॉर्म के 16 अगस्त तक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उड़ान पर प्रतिबंध है। हर देशवासी के लिए कल महत्वपूर्ण दिन है और देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में ये समारोह काफी भव्य और ऐतिहासिक नजर आने वाला है। नमस्कार।